ओके इट डन इन बॉर्न इंस्टेंट इन देम ये उनमें इंस्टेंट का मतलब स्वाभाविक या उनमें जन्म से ही स्वाभाविक होता है इन वन एक्सपेरिमेंट एक प्रयोग में फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए चिक्स वर कॉक्स एंड हैं चिक्स का मतलब छोटे चूजे कॉक एंड मुर्गे और मुर्गी थे सो दे कुड नॉट लर्न सो दे कुड नॉट फिल इन द ब्लैंक्स द साउंड दे ओके सो यहाँ पे लर्न का मतलब होगा सीखना सो दे कुड नॉट लर्न तो वे सीख नहीं सके जब एक मुर्गे एक मुर्गी ओके okay? जब वो छोटे थे चिक्स जब वे चिक्स थे तब वे नहीं सीख सकते थे वो लर्न का मतलब सीखना द साउंड वो आवाज दे हैव जो उनके पास है ओके okay? यट यद का मतलब यद्यपी वेन दे ग्रीव फ्रे तो यहां पर होगा grew up. ग्रीव अप ग्रू अप का मतलब जब वे बड़े हुए दे वर एबल टू मेक दोउंड जस्ट एज वेल एज चिक्स दैट हैड ग्रोन अप विथ कॉप्स एंड हैंड्स सो जब वे बड़े हुए तब वो उस योग्य हुए उन आवाज को निकालने में जो एज वेल एज जैसे एक चूजा बड़े होने के बाद मुर्गे और मुर्गियों की निकालता है ओके सो दिस इज इट एंड द नेक्स्ट इज बच्चों राइटिंग स्किल्स ये हमें रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो हमें यहां पे पैसेज को रीड करना है ओके okay? और उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हमें उनके आंसर को लिखना है सिक्स क्वेश्चंस इस पैसेज से दिए गए हैं हम पहले पैसेज को रीड करते हैं ओके okay? उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे वर्क करेंगे ओके सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फ्लोरेंस नाइटिंगल नाइटिंगल का मतलब होता है बच्चों बुलबुल नाइट इंगल का मतलब बुलबुल फ्लोरेंस नाइटिंगल वॉज बॉर्न ऑन फिफ्टीन मई एटीन एटी टू फ्लोरेंस नाइटिंगल का जन्म पंद्रह मई एटीन एटी अठारह सौ बयासी को एट फ्लोरेंस इन इटली और इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था एंड हर पेरेंट्स कॉल्ड हर आफ्टर द सिटी वेयर ही वॉज बोर्न और उनके माता पिता उन्हें उस नाम से बुलाते थे जिस शहर में वो पैदा हुए थे ओके okay? उनका नाम उस शहर के नाम पे ही रखा गया था फ्लोरेंस शहर के नाम पे ही उनका नाम फ्लोरेंस रख दिया था उनके माता पिता ने हर मेन एम्बिशन एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा या इच्छा उनका मेन उनकी प्रमुख इच्छा थी टू वॉज टू बी अ नर्स एक नर्स बनने की उनकी इच्छा थी एंड सो सी गेव अप ऑल सनल हैप्पीनेस और उसके लिए उसने अपने सारे शादी के विचार और अपनी निजी खुशियां पर्सनल हैप्पीनेस बलिदान कर देना या गेव अप कर देना मतलब उसे हटा देना ओके अपनी सारी खुशियों का बलिदान कर दिया सी स्पेंड येस्टिंग हॉस्पिटल साफ्टवेयर हॉस्पिटल उन्होंने उसने उन्होंने अपना जीवन बिताया अस्पताल और अस्पताल में अस्पतालों में घूमते हुए ओके डे एंड नाइट सी एवरी बेड इन द हॉस्पिटल दिन और रात वो हॉस्पिटल के सारे बेडों पर घूमती थी टू सी दैट नो पेशेंट वॉज नेगलेक्टेड नेगलेक्टेड का मतलब निगलैक्ट किया जाना या फिर दरकिनार किया जाना तो ये देखने के लिए कि कोई पेशेंट दरकिनार तो नहीं किया गया एंड वर एज कम्फर्टेबल एज पॉसिबल कम्फर्टेबल का मतलब सुविधाजनक और सभी एक सुविधाजनक स्थिति में हैं एज पॉसिबल जैस जितना हो सकता है ओके हाउ एवर हार्ड सी माइट ऑल डे वो सारा दिन बहुत मेहनत करती थी एवरी नाइट और प्रत्येक रात को सी वुड टेक हर लैम्प एंड मूव फ्रॉम बेड टू बेड और प्रत्येक रात को वो अपना लैम्प लेकर हर बेड पर बेड टू बेड जाती थी द लेडी लैम्प द लेडी विद द लैम्प द सोल्जर्स कॉल्ड हर और सिपाही या सैनिक उन्हें लेडी विथ द लैम्प एक महिला लैम्प के साथ उन्हें उन्हें उन्होंने उन्हे, उन्हे, एक सोल्जर्स ने उन्हें एक सब टाइटल दिया था द लेडी विथ द लैंप ओके क्योंकि वो बेड टू बेड घूमती थी जाती थी मरीजों की देखभाल करने के लिए सोल्जर कॉल्ड हर एंड दैट इज नेम बाय विच ऑफ द वर्ल्ड हैज रिमेम्बर्ड एवर सिंस और यही वो नाम है जिसे आज पूरी दुनिया याद रखती है ओके सो दिस इज इट फॉर द पैसेज ओके सो एंड दिस इज फॉर टुडे टुमारो वी विल वर्क ऑन द क्वेश्चन एंसोर्स ओके सो एज एन होमवर्क यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट द क्वेश्चन मैं आप एंसर्स ऑफ द क्वेश्चन मैं आपको इसके मीनिंग क्वेश्चन के बता दे रहा हूँ आप इसे ट्राई कीजिएगा ओके एंड टुमारो वी विल वर्क ऑन देम ओके वेन वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगल बॉर्न फ्लोरेंस नाइटिंगल का जन्म कब हुआ था फिफ्टीन मई एटीन ये टू आपका पहला आंसर है ये आप अपनी कर ये कर सकते हैं ओके वाई डिड हर पेरेंट्स नेम हर फ्लोरेंस नाइटिंगल उनके पिता ने उनका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगल क्यों रखा हर पेरेंट्स कॉल्ड हर आफ्टर द सिटी वेयर सी वॉज बॉर्न उनके पिता उन्हें फ्लोस नाइटिंगल इसलिए बुलाते थे क्योंकि जिस शहर में वो पैदा हुई थी उन्होंने उसके नाम पर उनका नाम रख दिया था ओके वॉ डिड फ्लोस नाइटिंगल वॉन्ट टू डू हिज मेन एम्बिशन वॉज टू बी अ नर्स ही वॉन्ट टू बिकम अ नर्स ओके ये हो गया आपका नंबर थ्री आंसर हर मेन एम्बिशन वॉज टू बिकम अ नी नर्स ओके देन नंबर फोर होगा वाई वॉज सी कॉल द लेडी विद द विद्प वाई वॉज सी कॉल्ड द लेडी विद द लैम्प तो आपका आंसर होगा एवरी नाइट सी वुड टेक हर लैम्प एंड मूव फ्रॉम बेड टू बेड ओके दैट्स वाई एवरी वन कॉल्ड हिम द लेडी विद द लैम्प ओके वेयर इज द सिटी ऑफ फ्लोरेंस फ्लोरेंस का शहर कहाँ है ओके okay? तो फ्लोरेंस इन इटली द सिटी ऑफ फ्लोरेंस इज इन इटली ओके ये आपका नंबर फाइव आंसर हो गया एंड नंबर सिक्स वाई डिड सी गो फ्रॉम बेड टू बेड टू विथ विथम्प ए लाइट वो बेड टू बेड एक लैम्प के साथ क्यों जाती थी तो आपका ये आंसर होगा ओके okay? uh, ये डे एंड नाइट यहां पे सी विजिटेड एवरी बेड इन हॉस्पिटल टू सी दैट नो पेशेंट वॉर नेग्लेक्टेड एंड ऑल दैट वर एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल ओके तो यहां से पॉसिबल टू सी से लेके पॉसिबल तक का आपका लास्ट आंसर होगा ओके सो ट्राई इट एंड कीप लर्निंग स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर स्कूल चैनल सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल थैंक यू